नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर विकास पांडे में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो आज हम लोग हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक उपसर्ग, प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक में उपसर्ग जो है वह प्राक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जो कविता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है हमारा कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? बहिष्कार का संधि विच्छेद बहिधन कार होता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैदेही बनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि पुलिंग शब्द है, आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से पुलिंग है। ऑप्शन ए पखावज, ऑप्शन बी पहिया, ऑप्शन सी लिखावट और ऑप्शन सी मझधार। तो आपका जो पहिया है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, तो इस पुलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण कला का विकास होता है? तो जो संप्रेषण कला का विकास होता है वह केवल और केवल अभ्यास से होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यह भी है, छ त्र ज्ञ, चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके। तो जो संयुक्त व्यंजन होता है वो छ त्र ज्ञ होता है और प्रश्न में पूछा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा य। अगला प्रश्न है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय पद में बहुव्रीहि समास होता है, मृत्युंजय पद में बहुव्रीहि समास होता है। उसी प्रकार पूछ रहा है कि अलंकार का उपसर्ग क्या है? तो अलंकार का उपसर्ग अलम हो जाता है। विश्लेषण का विलोम, विश्लेषण का विलोम जो होता है वह होता है संश्लेषण, विश्लेषण का विलोम आपका संश्लेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंत कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उष्म व्यंजन क्या क्या होता है? तो स ख स, स ख स, ये आपका उष्म व्यंजन तीन होता है। अगला प्रश्न है आपका, अत्यधिक का विलोम क्या होता है? तो अत्यधिक का जो विलोम होता है वो अत्यल्प होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रित का विलोम होता है, तो रित का विलोम जो है अनित होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प में सम उपसर्ग हो जाएगा आपका। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, प्रश्न दिया हुआ है आपका कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा, इसमें वाच्य पूछा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे भाव वाच्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष में, देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास है। और अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास होता है? तो गौशाला में भी आपका तत्पुरुष समास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी दोस्तों जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप सभी छात्र छात्राओं की मदद करें जिससे उन सभी को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।